दोस्त तो औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्त तो हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग बा नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है कि जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल बा करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर वन, पांव हिलाना। जिस घर की औरतें अगर खाना खाते समय पांव को हिलाती रहती है, तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, परिवार में तनाव आदि, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों नंबर टू, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों नंबर थ्री, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखने बा और कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़ देने से अगर कोई महिला सो जाती है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों नंबर फोर, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से आता है। दोस्तों नंबर फाइव, अगर आपकी घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है, तो इससे घर की बर्बादी का कारण बढ़ता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। दोस्तों नंबर सिक्स, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है, तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों नंबर सेवन, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है, तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है, परिवार में मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों नंबर एट, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलना भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों नंबर नाइन, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। दोस्तों नंबर टेन, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछुआ बा पायल कभी उतार कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है, वहां पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थाई रूप से होता है। दोस्तों आप में से कौन कौन महालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है,
तो सच्चे दिल से माता को बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ हमारे घर में आपका स्वागत है, जय महालक्ष्मी। माता के लिए एक लाइक तो बनता है।